कैसे आप लोग, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे होंगे, बट गाइज कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसा नहीं है जिसमें सोलर पैनल का यूज किया हो और जो सोलर पैनल से डायरेक्टली चलता हो। तो गाइज आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास है 24 वोल्टेज की डीसी मोटर, जो कि आप देख सकते हैं ई बाइक की मोटर है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसकी सबसे पहले टेस्टिंग करने वाले हैं कि हमारे पास जो ये सोलर पैनल है 75 वोल्टेज के, उनसे हम इनको डायरेक्टली चलाने वाले हैं। अगर ये डायरेक्टली इतनी अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क करती है तो गाइज हम उसके बाद बनाने वाले हैं सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं आपको इसका आउटपुट वोल्टेज भी चेक कराऊंगा कि इनसे कितना आउटपुट वोल्टेज आता है और फिर उससे हमारी जो मोटर है वो किस तरह वर्क करती है, जैसा कि बैटरी से वर्क करती है उसी तरह वर्क कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। तो इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सोलर रिगार्डिंग हमारे चैनल पर इसी तरह के प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं। और गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलो आज का वीडियो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट सोलर पैनल था उसका पॉजिटिव और ये उस इधर वाले सोलर पैनल का नेगेटिव, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया और इसका जो पॉजिटिव था और इधर वाले का नेगेटिव था उन दोनों को हमने एज इट इज़ रखा। और अब मैं इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करवाता हूँ आपको कि ये जो वायर है उसका आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि 37 वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है ये है ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि जैसे ही इसको किसी परिपथ से जोड़ा जाता है तो ये 37 नहीं रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं 37 वोल्टेज इन दोनों का, इन दोनों सोलर पैनल का। और गाइज ये जो दोनों सोलर पैनल है ये 75 वाट की सोलर पैनल है। अब मैं हमारे पास ये जो डीसी मोटर है इसको डायरेक्टली चला के देखते हैं कि हमारी जो डीसी मोटर है ये इससे वर्क करती है या फिर नहीं करती है। अगर ये इससे वर्क करती है तो गाइज हम इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे जिसे हम डायरेक्टली, जिसमें हम बैटरी का यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वायर को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं और हमारे पास जो सेकंड वायर है उसको हम इस वाले से कनेक्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो ये जो मोटर है ये चलती है या फिर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 101% वर्क कर रही है और ये उतनी ही स्पीड से रोटेट कर रही है जैसा कि बैटरी से करती है, जैसा कि मैं आपको पास से दिखाता हूँ। जैसे मैं इस वायर को कनेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल वाला वायर, ये आप देख सकते हैं। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो रोटेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा हाई है, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कोई भी बैटरी वायर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सोलर पैनल के वायर कनेक्ट हो रखे हैं। फर्स्ट को ये रहा ये वायर, ये जो जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो सेकंड वायर है ये यहाँ पर एज इट इज़ कनेक्ट हो रखा है, ये आप देख सकते हैं। और जो उसका सेकंड वायर है, एक वायर में उसका लेता हूँ और इधर जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला वायर, और ये हमारे पास डीसी मोटर उसके हमारे पास दो वायर। अब जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ तो गाइस इसकी जो रोटेशन स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो 101% सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम एक बार इसकी स्पीड देख लेते हैं। तो गाइज डायरेक्टली जो डीसी मोटर होती है उसे हम सोलर पैनल से चला सकते हैं, जो कि हमारे पास ई बाइक की मोटर होती है। तो गाइज ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसमें हम बिना बैटरी के ऐसा व्हीकल्स बनाएंगे जो जिसमें ओनली फॉर सोलर पैनल यूज़ होगा और जिसमें बैटरी यूज़ नहीं होगी। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।